हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आज की बात करने वाले हम लोग तीन ही और जॉब रिक्रूटमेंट, काफी जो रिक्रूटमेंट फिर यहाँ पर इन्फोसिस सेकेंड कंपनी, फिर आप IBM और विप्रो यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रही है फ्रेशर्स को। तो आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, और लिंक सभी का अप्लाई करने का मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फिर मैं आप लोग के लिए से पहले जो है काफी ज्यादा वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं अप्लाई करा तो आप लोग अप्लाई जरूर करें, और भी इसके बाद आपको बहुत सारे अपडेट्स के आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे। फ्रेंड सबसे पहले आपको मैं अपडेट करते रहता हूँ, आप लोग कुछ भी अपडेट्स वगैरह आते हैं, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, चाहे वो हायरिंग को लेकर हो, चाहे वो प्रिपरेशन को लेकर हो, चाहे वो गाइडलाइंस को लेकर हो, मैं सब कुछ आपको जो है डे बाय डे आपको मैं मोर देन 4-6 वीडियो बना के आप लोगों को मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज सर आप लोग इस चैनल को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ में। चलिए वीडियो में बात करते हैं तीन हायरिंग को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं विप्रो यहाँ पर रिक्रूटमेंट करिए टेक्निकल लीड रोल के लिए। फिर टेक्निकल लीड का काफी ज्यादा सैलरी होता है इन विप्रो, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको मोर देन 5 MPA का सैलरी होने वाला है। तो कौन कौन एलिजिबल है सर अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से, आप लोग साइंस ग्रेजुएट से आप लोग एलिजिबल हो। बट उससे पहले यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया आपका स्किल सेट वगैरह आप लोग चेकआउट कर देना, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है, तो आप लोग मेक श्योर अप्लाई करने से पहले अपने रेज्यूमे को जरूर अपडेट करें एज पर देयर जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लोकेशन आपका होने वाला बेंगलुरु का। अप्लाई कैसे करना है, सिंपली आपको अप्लाई नाउ पर करना हो क्लिक। आपके पास ऑलरेडी अगर अकाउंट या इसमें प्रोफाइल का, आप लोग सेम अकाउंट से सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, यहाँ पर जो इन्फोसिस हायरिंग कर रही है वो रोल होने वाला फ्रेंड आपका स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, BE, BTEC, ME, MTEC, MC, MSc के लिए एलिजिबल है। एनी ब्रांच और स्ट्रीम में एलिजिबल टू अप्लाई। 9.5 का पैकेज आपका होने वाला, 2019 से 2022 बैच के लिए एलिजिबल है, ओके। इसका लास्ट डेट काफी जल्दी, इसका लास्ट डेट जो इवेंट इन हो जाएगा। दो रोल के लिए अपना हायरिंग है फिर आपका SP और DSC, मतलब स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। सबसे पहले आपका होने वाला ऑनलाइन इंटरव्यू, आपका होने वाला फिर वर्चुअल इंटरव्यू, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना होगा, सिंपली आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। आपके सामने जाएगा सबमिट फॉर्म, आपको सिंपली सर्च आपको फिलअप करके अप्लाई कर देना होगा। और विप्रो आपका हो गया, IBM और आपका हो गया इन्फोसिस, तीनों के ऊपर मैं प्रिपरेशन वीडियो बना के ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जगह चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यहाँ पर IBM रिक्रूटमेंट कर रही है, पर अगेन यहाँ पर हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है फिर आप लोग के लिए सेकंड फेज जो कि आपका एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर का। तो इसके लिए फिर आपको BE, BTEC, ME, MTEC, MSc लो एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसमें सब किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से आप लोग फिर एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी चेकआउट कर लेना और आप लोग अप्लाई जरूर करना, ठीक है। और अपने रिज्यूमे को अपडेट भी जरूर कर लेना। अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, आपको अपने अकाउंट बनाना, फिर आपको अप्लाई कर देना होगा। तो फ्रेंड सभी का लिंक अप्लाई करने का मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, तो अप्लाई जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।